लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। विजय, गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सुधाकर? सर, हमारे पास मिस्टर विजय का वारंट है। किसका वारंट है? मिस्टर विजय का। चार्ज क्या है? इन पर गणपत राय नाम के एक आदमी का खून का इल्जाम है सर। लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया, और ये गणपत राय, मैं तो इस नाम के किसी आदमी को जानता भी नहीं हूं। मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया। क्या हुआ? क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है? मामा, ये लोग वारंट लाए मेरे नाम, कहते मैंने किसी का खून किया है। क्या? अरे मैंने किसी का खून नहीं किया मामा, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये कैसा भी हो मेरी कसम झूठी नहीं खा सकता। आपके पुलिस को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। सर, गलत फहमी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मिस्टर विजय कल रात 11:30 के दरमियान एक लड़की रूमा देवी के साथ होटल सम्राट में थे, और वहीं इनका गणपत राय नाम के आदमी से झगड़ा हुआ और इन्होंने उसे बहुत बुरी तरह मारा और सबके सामने बार बार उसे जान से मारने की धमकी दी। हो सकता है, मैं बहुत गुस्से में था, मुझे याद नहीं। और जब वो होटल के बाहर गया तो ये भागकर उसके पीछे गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसका खून कर दिया। मैं तो एक मिनट में वापस आ गया था। मगर आपके चले जाने के चंद मिनट बाद गणपत राय की लाश उसी होटल के सामने वाली फुटपाथ पर पाई गई। मैं सच कह रहा हूं, हो सकता है तुम सच कह रहे हो, लेकिन इन हालात में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे कहती हूं विजय बेकसूर है, मैं जानती हूँ, ये मेरे सामने झूठ नहीं बोलेगा, मैं जानती हूँ। आप इनसे कहते क्यों नहीं? ये लोग तो आपका कहने मानेंगे ना। आप इनसे कह दीजिए कि विजय बेकसूर है। बस करो मामा, मेरे लिए किसी से रहम की भीख मांगने की जरूरत नहीं। जरूरत है, मुझे जरूरत है। देखिए, हमारा बेटा कोई चोर डाकू खून नहीं है। आप इनसे कह दीजिए ये लोग इसी तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा बेटा बेकसूर है तो घर वापस लौट आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन समझने की कोशिश करो, उसके नाम वारंट है, वारंट। सुधाकर, ले जाओ इसे। नहीं, ऐसा मत कहिए, ये नहीं जाएगा, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। मां, बस करो। मैं जेल जाता हूँ, जाऊं फांसी पे चढ़ता हूँ चलूं, लेकिन तुम अपने आप को मेरे लिए बेइज्जत नहीं करोगी। पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने? क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी? तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है। इसका फैसला अदालत में होगा। तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा। विजय,
अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है। मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा। ये मत भूलो कि मैं यहां एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूं। कौन सी नई बात है? हाँ, आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है। देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहां इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भूल जाना चाहिए। सर, एक साहब मिस्टर विजय कुमार की जमानत के लिए आए हैं। अच्छी तरह देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये है जमानत के कागजात और कोर्ट से मिस्टर विजय कुमार की रिहाई के ऑर्डर्स। सर, ये मिस्टर नारंग है, के डी नारंग। अच्छी तरह पहचानता हूं मैं आपको, मिस्टर के डी नारंग। मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स भी देख लीजिए, इसके बाद कानूनन आप मिस्टर विजय कुमार को एक मिनट के भी यहां नहीं रोक सकते। कानूनन मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता, ये जानने के लिए मुझे मिस्टर के डी नारंग या उनके वकील की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। सुधाकर। यस सर। गेट मिस्टर विजय हियर। यस सर। बैठिए। मिस्टर विजय, आप बाहर आ सकते हैं। हेलो विजय। थैंक यू नारंग साहब। विजय, तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, और अब मैं भी आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं नारंग साहब। कम, लेट्स गो। विजय, इसे नसीहत नहीं मशवरा समझना, अपनी जिद में आके इन लोगों के साथ किसी ऐसे रास्ते पर ना निकल जाना जहां से अगर चाहो भी तो वापस ना आ सको। मैं इस बार वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूं। चलिए सो जाइए। चलो मैं अभी आता हूं। तुम्हारा बेटा खो गया है शिकर? नहीं। खो गया है तुम्हारा बेटा? ये सब कैसे हुआ, कौन सी कमी रह गई हमारे प्यार में, क्या भूल हुई हमसे, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन आज जब वो लोग मेरी आंखों के सामने उसे ले गए तो मुझे लगा किसी ने मेरे बेटे के दाम लगाए और दाम लगाकर उसको खरीद लिया। उन्होंने मेरे बेटे को खरीद लिया और मैं देखता रहा शीतल, कुछ नहीं कर सका,
कुछ नहीं कर सका। जानते हो विजय, तुम्हें कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करवाने की यह साजिश जिसने की थी वो कौन है? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जिसके सामने मुझे बेकसूर गिरफ्तार किया गया, जो मुझे बचा सकता था लेकिन खामोश तमाशा देखता रहा, वो कौन है? मेरा अपना बाप। और यूं खामोश तमाशा मेरे बाप ने पहली बार नहीं देखा है। जेके ने भी पहली बार तुम्हारे खिलाफ ये साजिश नहीं की है। ये जेके वही है जिसने तुम्हें बचपन में उठवा लिया था। हाँ विजय, जेके मेरा भी दुश्मन है, उसी ने मुझ पर हमला करवाया था। तुमने मुझे बचा लिया इसलिए वो तुम्हें भी रास्ते से हटाना चाहता है। जेके, उसे भी अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। मुश्किल ये है कि तुम्हें अदालत में बेकसूर तो साबित किया जा सकता है लेकिन उसे मुजरिम नहीं। उसके खिलाफ ना तो कोई सबूत है ना गवाही। नहीं, अब मुझे अपने लिए जो इंसाफ चाहिए उसके लिए ना किसी गवाह की जरूरत है ना किसी सबूत की। ना कोई अदालत चाहिए ना कोई कानून। नफरत है मुझे दुनिया के उस हर कानून से जिसे मेरा बाप मानता है। आज से मैं अपना कानून खुद बनाऊंगा। नारंग साहब, हमारा ट्रक बरसोवा से सामान लेकर आ रहा था, रास्ते में जेके और उसके आदमियों ने ड्राइवर को बुरी तरह से मारा पीटा और हमारा ट्रक और सामान लेकर चले गए। देखा तुमने, 40 लाख का सामान था उसमें। लोगो, तुम अपने आदमियों को लेकर जाओ। मेरा ख्याल विजय तुम भी। एक मिनट नारंग साहब, आपको अपना सामान और ट्रक वापस चाहिए ना? मिल जाएगा, लेकिन मैं ये काम अकेले करूंगा। जेके की नाक जमीन पर रगड़ने में जो खुशी मुझे मिलेगी वो मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जेके मिलेगा कहां।